हो रहा है अभी का टाइम, ठीक है, 2:17 AM। अच्छा हाय गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है आज और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो हो ये रहा है कि अभी यहाँ पे इस घर में हम बैठे हुए हैं, ठीक है, और मेरा फ्रेंड बाहर दिल्ली से यहाँ पर आया हुआ है। तो ही वॉज जस्ट मेंशनिंग को जहाँ पे रह रहा है ना, वो अपने एक फ्रेंड के घर पे रह रहा है और वहाँ पर चक्कर ये है कि एक चूहा आ चुका है और वो वहाँ पर अकेला रह रहा है। तो उसने मुझे बोला यार कि मनीष मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत बहुत प्रॉब्लम दे रहा है वो चूहा, और मतलब रात रात को ऐसे टक 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 करता है और मतलब मेरी शर्ट को उधेड़ दिया है उसने, मतलब उसने बेसिकली बर्बादी शुरू कर दी है घर में और रात भर मुझे नींद नहीं आती। तो एक्चुअली वो भी बैठ के सोच रहा था कि मैं कहाँ पे सोऊं। तो मैंने उसको बोला यार एक काम कर ले, तू यहाँ पे सो जा। बोलते हैं हाँ यार मनीष प्लीज यार मैं आपसे सो जाता हूँ, बिकॉज चक्कर ये हो गया ना कि जो वो चूहा है ना वो बहुत तंग करता है यार। क्या क्या इन लोगों ने ना, इन लोगों ने सारे नुस्खे अपना लिए, इन्होंने ट्रैप बनाया था, वहां पे ब्रेड रखी थी। ये वीडियो मेरे फ्रेंड के पास था, उसने मुझे सेंड किया व्हाट्सएप के थ्रू, और ये सब कोशिशें चल रही है किस तरह चूहे को पकड़े, सोच रहे हैं क्या करें। तो वो भी मतलब फेल हो गया, वो सब कुछ भी फेल हो गया इनका। तो अभी हो ये रहा है कि हम यहाँ से जाएंगे और बोला कि मनीष अगर तुझे पता है कुछ कर सकते हैं। तो मैंने उसको बोला कि हाँ मुझे ये आइडिया है कि चूहे को कैसे पकड़ते हैं। तो मेरे पास एक खुद का आइडिया है जिससे मैंने पहले चूहे मतलब वो ऐसे ट्रैप में पकड़े हैं। ए ब्रो टाइम पता ना कितना हुआ? नहीं मतलब तेरे फोन में दिखाना टाइम, आई जस्ट वॉन्ट पीपल टू सी कि क्या टाइम हो रहा है। एक मिनट इधर लिया। सी गाइज ये हो रहा है अभी का टाइम, ठीक है, 2:17 AM। अब यहाँ से अभी हम जाएंगे रिक्शा से क्योंकि मुझे शूट भी करना है और प्लस हमने एक एक बियर पी लिए, तो आई डोंट वांट टू ड्रिंक एंड ड्राइव। अच्छा गाइज आप तो सोच रहे होंगे कि जो मेरा फ्रेंड जिसने मुझे ये जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वो क्यों नहीं कैमरा में आ रहा है। तो ये है कि उसको मैं कब से बोल रहा हूँ कि आ जा, लेकिन वो बोल रहा है कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को बताया नहीं है कि मैं मुंबई आया हूँ, तो प्लीज़ मुझे मत ले कैमरा में और ना ही मेरी आवाज़ से ना। तो मैंने सोचा कि ठीक है कोई नहीं, अभी हम इसको इस तरह से यूज़ करते हैं। और अभी हम जा रहे हैं मेरी बिल्डिंग के बाहर से, लेट्स सी। आ रहा है, आजा आजा आजा। ये खड़ा है एक रिक्शा, इनसे पूछते हैं क्या ये कहाँ जाना है हमको। तो यहाँ से जाना है अंधेरी वेस्ट लिंक रोड पे, ठीक है। भैया फुल रेडी है चलने के लिए। चलो चलो रिक्शा राइट राइट है। चलो ये मेडिकल शॉप आ चुका है और यहाँ से हम अभी माउस ट्रैप लेंगे। एक स्टिक गार्ड आता है, मतलब उसमें क्या होता है ना, चूहा मतलब उसमें अपने आप आके खाना खाने की कोशिश करता है और वहीं पर चिपक जाता है। तो देखते हैं यहाँ मिलता है कि नहीं मिलता है। उस वाले केमिस्ट शॉप में नहीं मिला, अब हम जा रहे हैं केमिस्ट नंबर 2 के पास, ट्राई करते हैं वहाँ मिलता है कि नहीं। ओके केमिस्ट नंबर 2 पे पहुँच रहे हैं और लेट्स ट्राई आर लक। खुल खुल भैया, भैया आपके पास माउस ट्रैप है क्या? माउस ट्रैप जिसपे वो चूहा चिपकता है ना, ऐसा स्टिक गार्ड आता है। सेकेंड केमिस्ट पे आए थे, वहाँ पर भी नहीं मिला, अब ट्राई करते हैं लास्ट जगह पर। मिल गया मिल गया, अब लगेंगे चूहे के, बहुत मजा आने वाला है। उसे लेके जाते हैं घर पर और उस चूहे की तो आज खैर नहीं, आज बिछाते हैं उसके लिए ट्रैप। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं मेरे दोस्त के घर और पूरा सामान भी ले लिया रास्ते से, और ये जो हमारा मेन काम है आज चूहे को पकड़ना, वो देखते हैं कैसे करते हैं। आइए
गलती से किसी और घर की घंटी बजाने वाला था, तो मेरे दोस्त ने मुझे बोला घंटी चाबी तुम्हारे पास है। तो गाइस अभी हम इस घर में आ चुके हैं जहाँ पर ये उसका काम होता है, ये फंसता है कि नहीं फंसता। होता क्या है ना, सारे लोग इस टाइम पे इंजीनियर साइंटिस्ट्स बन जाते हैं, सारे तरीके यूज कर लेते हैं चूहे पकड़ने के। मेरे दोस्त ने आने से पहले ना क्या हुआ था यहाँ पे, वो उसने ना खोद खोद के ना पूरा खोद दिया है, तो इसने आने से पहले यहाँ पे फर्नीचर का स्टूल रखा होगा ताकि वो अगर वो इससे ना अपना रूट बना के यहाँ पे ना आ सके, बिकॉज उसका सारा बैग बैग सामान वामान यहाँ पर है। ठीक है, तो लेट्स सी कि क्या है इसके पीछे। अभी ये इतना बड़ा सा हो चुका है, इसने पूरा खरोद खरोद के ऐसी बुझा डाली है, तो अभी देखते हैं। अभी चूहा मुझे लगता है बहुत बड़ा है, तो नॉर्मली क्या होता है तो बहुत उसमें बहुत पावर होगा ना, वो खाना खा के शायद ऐसा होता है ना कि बहुत बहुत कोशिश करेगा भागने की। तो अभी हमको सिर्फ लकी होना है कि वो उसकी स्ट्रेंथ इससे कम है, वो जिस तरह से वो काट रहा है, जिस तरह से वो कर रहा है, अभी कोई बहुत ही ज़बरदस्त जंगली चूहा है। अभी मैं और मेरे फ्रेंड यहाँ पे चिल कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि वो चूहा कब उस ट्रैप में फंस जाए, तो सोचा है कि दो घंटे तक हम मस्ती करें, टाइम पास करें, थोड़ा चाय में पियेंगे, थोड़ा कॉफ़ी पियेंगे। और ये भाई साहब अभी ऑलरेडी कोक पीने की तैयारी में हो चुका है, कैन खोल दिया है, तो देखते हैं क्या चूहा फंसता है या नहीं। दोस्तों तो हुआ ये कि रात को करीबन 4:30-5 तक हम उठे हुए थे और एक बार फिर से ट्राई किया देखने को कि ये वो चूहा जो है वो उसके अंदर ट्रैप में फंसा है कि नहीं फंसा। लेकिन हुआ क्या कि जब मैंने उसको खोला और देखा तो वो उसमें तब तक फंसा हुआ नहीं था। उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, हम सो गए और अभी कुछ 11 बज रहे हैं, 11:30 बज रहे हैं, आई एम बैक टू माई हाउस। अब तक वो ट्रैप वहाँ पर बिछा हुआ है, अब देखते हैं वो चूहा वहाँ पे कब फंसता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, मैं चाहता हूँ कि वो चूहा वहाँ फंसे और उसको मैं शूट कर सकूँ। तो उस शैतान चूहे को पकड़ने के लिए बहुत सारे नुस्खे अपनाए जा रहे हैं। मेरे दोस्त का फ़ोन आया, उसने बोला कि उसकी तो मतलब अब तक उस ट्रैप में फंसा नहीं है जो हमने बिछाया है, तो उसने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया और अभी वो अपने हिसाब से चेक कर रहा है कि यहाँ पे ही कहीं पे फंसा हुआ होगा, कहीं होगा तो वो ट्राई करके उसको पकड़ने को ट्राई कर रहा है। लेट्स सी ये पकड़ पाता है कि नहीं। और ये नेक्स्ट डे है और इस वक्त मैं अपने घर बैठा हुआ हूँ, मेरा फ्रेंड मुझे पूरा अपडेट दे रहा है कि ये लोग ऐसे ये सब कर रहे हैं, पूरी कोशिशें कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि मुश्किल है। आपको पता है मेरा तो ट्रैप है ना, वो भी इसी के यहाँ पे पीछे लगा हुआ है, रखा हुआ है इसी वॉशरूम के अंदर, तो देखते हैं अभी ये पकड़ पाते हैं या वो जो चूहा है वो हमारे ट्रैप में फंसता है। खिड़की खोल देना, खिड़की मास्क पहनो। तो इस भैया ने भी बहुत कोशिशें कर ली है, अपना सारा दिमाग यूज़ कर लिया है, अपनी सारी पढ़ाई यूज़ कर ली है, लेकिन चूहा जो है वो तो जानते ही हैं आप लोग कितने स्मार्ट होते हैं, इनको पकड़ना मुश्किल नहीं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो
अभी भैया देखें क्या बोलते हैं, सुनो इनको। और गुड न्यूज है, आपके भाई के ट्रैप में वो चूहा फंस चुका है। ये देखो क्या होने वाला है उस चूहे का। इसने बहुत परेशान किया था, प्लीज इस पे सिंपैथी मत जताना, इसने पूरे घर की बर्बादी की हुई है नॉर्मली तो। और एक्चुअली मैंने इसको मतलब ये अभी तक मरा नहीं है, इसको बाहर छोड़ देंगे हम। मिशन चूहा अकम्प्लिश्ड, जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, फिर से यहाँ मत आना। बाय गाइज़।